हमारे पास, हम ह्यूमन माइंड्स जो होते हैं, आइदर हम ऑडियो होते हैं, ऑडियो हम आवाज़ सुनते हैं उस पर ही ज़्यादा एक्शन करते हैं। कुछ लोगों को याद होता है सुन करके, कुछ लोगों को याद होता है देख करके, कुछ लोगों को याद होता है फील करके। कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले आएंगे आपको टच करेंगे, शाबाश चलें वहाँ पे घूमने, आप यार तू टच मत कर बाकी ठीक है। कुछ लोग होंगे वो ये कहेंगे अरे तू मेरी बात सुन सुन, वो पहले सुन पे फोकस करेंगे क्योंकि वो ऑडियो हैं। आपको कुछ लोग होंगे वो ये कहेंगे पहले देख मैंने ये किया। मियाँ बीवी में अक्सर जो झगड़ा होता है वो ये, अगर वो दोनों एक विजुअल और एक ऑडियो होता है तो उसमें झगड़ा इसीलिए होता है कि वो कहती है सुन, वो कहता है देख, और उन दोनों में आपस में झगड़ा, कोई ना तो वो उसकी सुनता है ना वो उस लेडी उसकी देखती है। अगर दोनों विजुअल हैं तो उनकी अच्छी पटेगी, दोनों कहेंगे ये देख, बोला हाँ दिखा, वो कहता है सुन, वो कहता है देख, बोले मेरी सुनता नहीं, वो नहीं, तू मेरे को देखती नहीं है। तो चीज़ें क्या है, यही स्टूडेंट्स के लिए लाइफ के लिए है। अगर स्टूडेंट्स विजुअल है और उसने इसको पिक्चर को याद किया और ये ऐसे के ऐसे उसके दिमाग में छपी रहेगी तो वो याद रख लेगा, लेकिन अगर वो ऑडियो है तो यहाँ पर इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑडियो में उसको इसकी सुनाई दे रही है नो लेज, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग वो ये देखेगा इस नॉलेज की, भाई आवाज़ आई ना नो नॉलेज, तो नॉलेज के अनुसार उसने सिर्फ ये स्पेलिंग बनाई, उसके पास जो ऑडियो गया उसके पास ये पिक्चर डिलीट होगी। तो इसके लिए उसके दिमाग में एक जो ऑडियो गया था उसके बेस पे उन्होंने बनाया। तो आज आप देखोगे हर क्लास में बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से लोग उसको डिसलेक्सिया की बीमारी बताते हैं। आप आपकी छोटी क्लासों में अगर आप देखोगे तो जैसे आप एल ऐसे बनाते हो तो बच्चे आधे ऐसे बनाते हैं। मैं टीचर्स की ट्रेनिंग में इस पॉइंट को रखूंगा कि किस तरह डिसलेक्सिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है। डिसलेक्सिया की बीमारी एक्चुअल में बच्चों में नहीं है, डिसलेक्सिया की बीमारी किस में है, टीचर्स में, क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं आ रहा। ये डिसलेक्सिया की बीमारी विदिन 5 मिनट ठीक हो सकती है, विदिन 5 मिनट अगर वो उसको ये एक्सरसाइज कराई जाए। आप लोगों को मैं अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और आप कहते हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमें स्पेलिंग याद नहीं होती, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप वो स्पेलिंग इमीडिएटली याद कर पाओगे।